कन्नौज के तहसील छिबरामऊ के ग्राम प्रेमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जाने की रास्ता बहुत ही खराब है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र के पास एक प्राथमिक विद्यालय भी है और उसमें कई बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं। उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जब बारिश हो जाती है तो रोड में इस कदर पानी भर जाता है कि उससे निकलना भी दूभर होता है। अभी तक रोड नहीं बनाई गई है। वहाँ के स्थानीय डॉक्टर मनोज त्रिपाठी जी ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों की गाड़ी तक वहाँ नहीं पहुँच पाती है। मरीजों को भी रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब रोड के बारे में प्रधान जी से कहा गया तो प्रधान जी ने कहा अभी बजट नहीं है, जबकि आधी अधूरी रोड बन चुकी है। प्रधान ने अभी तक रोड पूरी नहीं बनवाई है। अस्पताल में लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है। मरीज गर्मी में बेहाल हैं। समाचार इंडिया न्यूज के लिए कन्नौज से लखन प्रताप सैनी के साथ अनूप दुबे, समाचार इंडिया न्यूज। जब से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो प्रधान जी के बारे में बताया गया कि प्रधान जी रोड बनवा नहीं है। प्रधान जी से आपकी बात हुई थी? प्रधान जी से भी कई बार बात हुई हमारी। प्रधान जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा बनवा देंगे, लेकिन बजट आएगा तब बनवाएंगे। उस पर जिलाधिकारी ने क्या कहा? हमारी कोई बात नहीं हुई। सीएमओ साहब ने क्या बोला? सीएमओ साहब से भी डायरेक्ट हमारी बात नहीं, हमारी बात छिपा होगी। जो चिकित्सा अधिकारी है उनसे हमारी बात नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब बजट आएगा भाई, जब व्यवस्था होगी तो वही बने। प्रधान हमारे शिकायत आप कितनी बार कर चुके हैं? हम कम से कम 3-4-5 बार कर चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिनका भी यहाँ आए थे जब, तो उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको आने जाने बहुत दिक्कत होती होगी। हमने कहा आती होती दिक्कत है, रोड है नहीं, मरीज भी आते तब बहुत दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि हम ये रोड जल्दी ही हम प्रधान से कहते बनवाएंगे, तब तक उनका स्थानांतरण यहाँ हो गया।